उस टाइम पे वो शूर्पणखा थी जिस टाइम पे रामायण में लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया था, और आज के टाइम पे ये शूर्पणखा निकली जो हमारे महाराष्ट्र के देवत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वो विनोद कर रही है। तो फिर हम आज उसका हमारे तरीके से नाक काट देंगे। The Shivaji statue. Yeah, I'm psyched about it. I wanted to go know about it. I wanted to read about it. So I went to the most authentic source of news on the internet. Quora. वहाँ पे किसी ने निबंध लिख रखा है. This Shivaji statue is amazing masterstroke by our Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. दूसरा बंदा है, उसने सोचा ये क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट है. तो उसने सोचा यस इट विल ऑल्सो हैव जीपीएस ट्रैकर्स एंड इट विल शूट लेजर रेज आउट ऑफ इट्स आईज टू किल पाकिस्तानी टेररिस्ट इन द अरेबियन सी. तीसरा बंदा आया, गाइस प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट. सबसे समझदार, प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट, इट्स नॉट शिवाजी, इट्स शिवाजी महाराज. अच्छा, पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? तेरा बाप आया. तूने ना अब तक हमारे महाराष्ट्र की ताकत देखी नहीं है. जब हमारे महाराष्ट्र की ताकत देखेगी ना, तब तेरी पैरों तली जमीन और सर के ऊपर का आसमान भी ना तेरा साथ छोड़ देगा. और तेरे जैसी पढ़ी लिखी अनपढ़ गवार को ना ये नहीं पता होगा ना महाराष्ट्र क्या है, वो महाराष्ट्र श्री छत्रपति शिवाजी महाराज क्या है ये पता नहीं होगा ना, तब तेरी जिंदगी पे ना एक औरत का आदर ना तब तक किया जाता है जब तक वो सीता माँ जैसे पवित्र हो, नहीं तो उसका शूर्पणखा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है. दोनों एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी क्यों? क्यों? एक का नाम अगर शिवाजी दूसरे का नेपोलियन होता तो कोई अपना दोस्त का शादी मिस नहीं करता ना. कुछ भी और नाम रख ले, एक का नाम शिवाजी दूसरे का नाम नॉट शिवाजी एयरपोर्ट. वर्क्स. तीसरा एयरपोर्ट मे भी शिवाजी एयरपोर्ट. वर्क्स. आप लोगों ने तो रेलवे स्टेशन का नाम भी शिवाजी रख दिया. अरे हीड़े की औलादा, तेरी ही कमी थी यार. अबे भोसड़ी के, मछली को तैरना और बाप को ठोकना सिखाया नहीं जाता. वो हमारे महाराष्ट्र में हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम कहाँ पे लगाना और कहाँ पे नहीं लगाना ये बताने वाला तू कौन होता है मादरचोद? अरे अबे लुक्खे, जब तेरे माँ बाप ने शादी की ना वो सबसे बड़ी गलती थी, वो उस गलती से तेरे जैसी औलाद पैदा हुई ना वो दुनिया की सबसे बड़ी गलती हुई. वो अभी वो गलती उनको झेलनी पड़ रही है. तुझे ना अमावस के वो काले अंधेरे में ना गाड़ देना चाहिए, वहां से कभी निकालना ही नहीं चाहिए. और तुझे नाम रखने की इतनी ज्यादा खुजली हो रही होगी ना, तो फिर तू अपने बाप का नाम रख देना, रात की संगिनी और गरीबों की मियाँ खलीफा. और उससे भी पेट ना भरे ना तो खुद का ही नाम रख देना, डोरीमोन, जो मुंह से हकता है वो गंडवे जैसे कॉमेडी करता है. Because chess was created in India, okay, respect. And Shivaji used to play chess to plan his battle strategies, which is again pretty cool. But in chess, the king can move only one spot at a time. This is kind of fuck all for Shivaji, right? Can you imagine on the field, like, Atamaji Satakli, Jai Maharashtra! Come on, yes, yes, हाँ हाँ नेक्स्ट स्टेशन तो दादर ही आ रहा है ना. तू ना एक बार ना उतर के दिखा दे ना, तू एक बार ना उतर के दिखा दे. वो जो दादर स्टेशन में टॉयलेट है ना, उसी टॉयलेट पे लेके जाके तो जिस माइक से तू कॉमेडी कर रहा है ना, वही माइक ऐसे जगह घुसाड़ देंगे ना, तेरा आउटगोइंग सोर्स बंद हो जाएगा ना, बैठने लायक ना खड़ा लेने बना देंगे. जितनी तेरी उम्र है ना, उससे कम उम्र में हमारे राजा ने ना बहुत बड़े पराक्रम कर चुके हैं, ठीक है? और तू जिस चेस की और जिस राजा की बात कर रहा है ना, वो जो चेस है ना, चेस बोर्ड, वो है हमारा पूरा हिंदुस्तान. और जो राजा की बात कर रहा है ना, वो है हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज है, ठीक है? वो उनकी जो स्ट्रैटेजी बता रहा है ना, वो जो मैं बताने की कोशिश करूँगा ना, तेरे पल्ले तक नहीं पड़ेगा कि तेरी उतनी औकात नहीं है, वो तेरे औकात के बाहर है. ये बंदे ना ऐसे होते हैं, मतलब बदल से तो बड़े हो जाते हैं पर दिमाग से ना गधे के गधे ही रहते हैं, मतलब गधे के औलाद जैसे हरकतें करते हैं. शिवसेना, मनसे और कांग्रेस में से जिन जिन जनों को मैंने ठेस पहुंचाई है, उनसे मैं क्षमा मांगना चाहूंगी. मैं आपको व्यक्तिगत रूप से ये क्षमा याचना नहीं पेश कर पाई कि
क्योंकि मेरा जो इलाका है, मेरा जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों की। अबे सुर्पनखा की चचेरी बहन, तुझे बोला था सॉरी बोलने के लिए हमारे पूरे महाराष्ट्र को, ना कि शिवसेना, मनसे, कांग्रेस, कोई पॉलिटिकल पार्टी को सॉरी बोलने को नहीं कहा था। सॉरी बोलने को कहा था पूरे महाराष्ट्र के सभी बंदों को कहा था, सस्ता नशा करना छोड़ दे, हकीकत में जीना सीख जा भी तू। सौ बात की एक बात बता रहा हूँ, एक कान पे हाथ रखो, एक कान से मैं जो बोलूँगा सुनो, क्योंकि एक कान से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो कॉमेडी करना है ना आपको, दुनिया भर में बहुत सारे टॉपिक पड़े हुए उसके ऊपर कॉमेडी करो, ना कि हमारे जो देश के वीर बंदे हैं, महापुरुष है, जो हमारे राजा है, हम उसको देवत मानते हैं, भगवान मानते हैं ना, उनके ऊपर कॉमेडी करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो तुम लोग को बहुत महंगा पड़ेगा। वो अभी जितने भी कॉमेडियन है ना, स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले, सो कूल, उनको ना उनके गले का कुत्ता तक नहीं पहचानता है, वो खुद को कॉमेडियन कहते हैं। अभी एक कॉमेडियन ने ना कभी महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कभी कॉमेडी सपने तक में ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है उनसे पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। एक का तो सुर्पनखा का हमने कर चुका है, और दूसरे की गंडवे की हम अच्छी तरीके से पिटाई कर चुके हैं, वीडियो में तो आप देख ही चुके हो, गलत जगह उंगली नहीं करने का। आज के लिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं, क्योंकि इनको समझाना मतलब गद के सामने बिन बजाना जैसा हो जाएगा। उनको उनको तो कुछ समझ में आएगा नहीं, पर जितने कुछ बंदों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। और वीडियो अच्छी लग जाए ना, वीडियो को शेयर करो, लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तभी भी चल जाएगा, पर वीडियो को शेयर करो, बंदे तक पहुंचना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अरे छत्रपति म्हणजे काय पोरखळ वाटला होय तुम्हास नाही? अवघ्या तमाम मराठी मुलखाचा पोशिंदा असतो त्यो, हे इसामला तू तुम्ही समझ। व पहिला छत्रपती, मग देव, दानव, गंधर्व, साधू, बैरागी, योगी, यक्ष, रती, तपस्वी आणि मग आपण।